हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। आज की वीडियो में हम चेक करेंगे यहाँ पर SMPS का फॉल्ट। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली अगर हम पावर सप्लाई की बात करें और ये हम जब इसका यहाँ पे स्विच लगा देते हैं और इसको ऑन करते हैं और बाय चांस यहाँ पे जो है ये ऑन नहीं होता है। ये देखिए आप यहाँ पे कितने ही बार आपने स्विच प्रेस कर दिया और ये अगर सब वायरिंग सही से लगी हुई है उसके बाद भी अगर ऑन नहीं होता है तो उसके अंदर जो है हम सबसे पहले चेक करते हैं SMPS। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा SMPS चालू है या ख़राब है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है इसकी पावर प्लग को यहाँ से निकाल लेना है, उसके बाद में इसको यहाँ से जो है स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेना है और पावर पिन को भी यहाँ से निकाल देना है इस प्रकार से, और इसके यहाँ पे जो है कनेक्शंस को निकाल देना है यहाँ से। ऐसे सारे कनेक्शंस जितने भी है पावर के, साटा के, यहाँ पे जितने भी पावर आपने दे रखे हैं जैसे हार्ड डिस्क का, इसको भी निकाल देना है। इसके बाद में इसकी सारी पिंस को जो है निकाल के एक साइड कर लेना है और इस SMPS को इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। पावर पिन एक रह गई मदरबोर्ड की, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब ये SMPS हमारा अलग हो चुका है, यह देख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो मदरबोर्ड वाला जो पावर पिन का सिस्टम है उसको पकड़ना है इस प्रकार से। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कलर कोडिंग्स हैं, कलर अलग अलग कलर्स के यहाँ पे जो है केबल्स दिख रही हैं, यहाँ पे भी अलग कलर्स की केबल दिख रही हैं। तो आपको जो है यहाँ पे जहाँ ग्रीन वायर है उसको ऊपर फेस पे रखना है, इस साइड से पकड़ना है ऐसे, और ये जो ग्रीन वाला जो वायर है इसको ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लेना है, हल्का सा, ज़्यादा खींचना नहीं है। इसके बाद में इसके पास में एक ब्लू वायर है और एक ब्लैक वायर है, तो हमें ये जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पर, इन दोनों वायर्स को ऐसे निकाल लेना है। देखिए आप पास से भी देख लीजिए, ये दोनों वायर्स को निकाल लेना है, बाकी जितने भी वायर हैं उन सबको सेम लगे रहने दीजिए। अब यहाँ पे इनकी जो पिंस हैं, यहाँ जो आप पिंस देख रहे हैं, एक मिनट में फोकस बता देता हूँ, लाइट यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो ब्लैक वाली जो पिंस है, ग्रीन की और ब्लैक की जो पिंस है, ये देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे जो ग्रीन की और ब्लैक वाली जो पिंस है ये दिख रही हैं यहाँ पे, चार नंबर और पाँच नंबर, इनको हमें मिलाना है। अब मिलाने के लिए हम जो है वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक वायर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें का वायर कोई छील लीजिए, दोनों साइड से उसके मुँह जो है निकाल लीजिए, या फिर आप जो है लोहे का वायर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप जो है नॉर्मली इस टाइप का वायर या लोहे का वायर, कोई सा भी वायर यूज़ कर सकते हो, इसको छील लेना है। छीलने के बाद में इसको निकाल लो तो भी अच्छा है, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। दोनों साइड के मुंह आपके सामने आ जाना चाहिए। इसके बाद इसमें बल दे देना है, ऐसे बल देने से क्या होगा कि ये इसका मुंह एक जैसा हो जाएगा। इसके बाद में इसको ऐसे पकड़ के एल टाइप यू टाइप बना लेना है। ये देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए इस टाइप का जो है आपको मुंह इसका बना लेना है। आप चाहो तो लोहे का वायर भी यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी वायर यूज़ कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें बल दे लोगे थोड़े तो ये खुलेगा नहीं, इसलिए हम इसमें थोड़े से और बल दे लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसको ऐसा यू बना लेना है, अब परफेक्टली ये बन चुका है। इसके बाद में हमें वही जो हमने वायर सेलेक्ट किए थे ग्रीन और ब्लैक, ये वाले, इन दोनों के अंदर इसको जो है लगाना है, यहाँ पे चौथे नंबर पर और ये पाँचवें नंबर पर, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा अंदर चले जाना चाहिए। ध्यान रहे कि इसके आसपास में कहीं ये टच ना हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा, इसलिए आप जो है इसको ध्यान से जब भी यूज़ करें, जब भी चेक करने के लिए लगाएं तो इसको ध्यान से लगाएं, ये शॉर्ट सर्किट ना हो, आसपास कहीं दूसरी जगह पर टच ना हो, ये इस प्रकार से लग जाएगा। देखिए ये ग्रीन और ब्लैक वाले को हमने जो है मिला दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है हमारा नॉर्मली पावर पिन, जो हमारा पावर एडाप्टर है, उसको लगा लेना है इसमें इस प्रकार से। अब ये पावर पिन लग चुकी है, इसके बाद में हमें जो है यहाँ पे इसको स्विच को यहाँ पे लगा लेना है, हाँ। इसके बाद में आप ध्यान रखिए, इसको चालू करने से पहले एक सावधानी आपको यहाँ रखना है, यहाँ पे जो है आपको जो है ध्यान रखना, इसके आसपास यहाँ करंट आएगा, तो इसलिए पहले आपको इसको चालू करने से पहले ध्यान रखना है सब सही से दूर रहे, और यहाँ पे जो है ये जो हमारा सिस्टम है ये कहीं गिरे नहीं, है ना। इसके बाद में आपको इसको चालू करना है। अब चालू करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चालू करते ही अगर इसका यहाँ फ़ैन ऑन हो जाएगा, ये वाला जो फ़ैन है, अगर ये ऑन हो जाता है
बिना कुछ प्रेस, कुछ भी प्रेस नहीं करना है, अगर बस हमें स्विच चालू करना है, अगर ये ऑन हो जाता है तो इसका मतलब हमारा SMPS सही है, कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में ही इशू है। तो हमें जो है इसको चालू करने के लिए यहाँ पे हमारी पिंस लगी हुई, हाँ तो हमें यहाँ पे इसको वापस से लगा देते हैं और इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ैन ऑन हो चुका है, मतलब हमारा SMPS प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक मिनट मैं आपको इस प्रकार से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में अर्थिंग दिला हुआ है इसलिए मैं इस पर हाथ लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ आप जो है आपके घर पे ऐसे हाथ मत लगाना, चालू स्थिति में करंट आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ैन ऑन हो चुका है, देखिए यहाँ फ़ैन चल रहा है, यहाँ पे इसमें भी करंट आ रहा है, इसमें भी आपको हाथ नहीं लगाना है। यहाँ पे फ़ैन चालू हो चुका है, मतलब हमारा SMPS चालू कंडीशन में है और ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। अब हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, ये देखिए ये बंद हो चुका है, मतलब हमारा SMPS ऑन है। कहीं ना कहीं इशू जो है वो कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में है। तो इस प्रकार से आप भी जो है SMPS को चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसी ही टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो।